आज के स्टडी में हम स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है, स्विच बोर्ड में हमें फैन रेगुलेटर कनेक्शन किस तरह से करना होता है, पावर सॉकेट कनेक्शन किस तरह से करना होता है, स्विच बोर्ड की प्लेट को प्रैक्टिकली किस तरह से चढ़ाया जाता है, किस तरह सर्किट वायर कनेक्शन करना होता है, किस तरह हाफ वायर कनेक्शन करना होता है, सब कुछ आज के स्टडी में हम समझने वाले। आज के स्टडी में हमारे पास एक 12 वे स्विच बोर्ड है जिसमें एक 5 पिन सॉकेट, ये 5 पिन सॉकेट के लिए स्विच है। ये हमारे पास एक पावर प्लग है, पावर प्लग के लिए हमने 16 एम्पेयर का स्विच कनेक्ट किया है। और हमारे पास एक फैन रेगुलेटर है जिससे फैन की स्पीड कम ज़्यादा होगी, ये फैन के लिए स्विच है। और तीन लाइट है। देखिए अब तीन लाइट एक फैन के लिए किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सभी कंपोनेंट्स को प्लेट में फिट कर लेते हैं। प्लेट में फिट करने के लिए देखिए आपको लॉक को इस तरह से फिट करना होता है। एक बार फिर से देखिए, लॉक को इस तरह से लगाकर ऊपर से हल्का सा दबा दीजिए। तो इस तरह से आप सभी कंपोनेंट को पहले इस प्लेट में फिट कर लीजिए। चलिए अभी हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में आप चाहो तो ऊपर की तरफ लूपिंग कर सकते हैं फेस की, या आप नीचे की तरफ करना चाहें तो नीचे की तरफ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 6 स्विच है, तो सभी 6 स्विच में अभी हम फेस की लूपिंग कर देते हैं। नीचे की तरफ हम फेस की लूपिंग कर रहे हैं। देखिए अभी हमने ऊपर के 4 स्विच में नीचे की तरफ फेस की लूपिंग कर दिया है। यहीं से हमारे पास नीचे 2 स्विच और हैं, तो 2 स्विच में भी अभी हम फेस की लूपिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जब एक स्विच में फेस कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से सभी 6 ही स्विच में फेस आ जाएगा। देखिए अब जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो ऊपर से फेस आएगा और इसे 5 पिन सॉकेट में जहाँ फेस कनेक्ट करना है वहाँ कनेक्ट कर देना है। जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेस ऊपर आएगा। यहाँ से हमने एक कनेक्टर लिया है और इसे इस पावर प्लग में कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल हमें दोनों ही 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट करना है। तो देखिए न्यूट्रल यहाँ पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमारा मेन न्यूट्रल कनेक्टर होगा। फैन रेगुलेटर के लिए देखिए स्विच में नीचे फेज आ रहा है, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज फैन रेगुलेटर के किसी भी एक वायर में आप कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर फेज आ जाएगा। जो रेगुलेटर का दूसरा वायर है उसमें आपको फैन का हाफ वायर कनेक्ट कर देना है। चलिए प्लेट की वायरिंग हो चुकी है, अभी आप देख सकते हैं 4 वायर्स आप देख सकते हैं जिसमें 3 लाइट एक फैन का है। ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। देखिए हमारे पास जो फैन का वायर है उसमें हम टेप लगा देते हैं और येलो वायर न्यूट्रल वायर है। ये जहाँ पर रेड वायर में जो आपको टेप नज़र आ रही है फेज वायर है, और जो दूसरा रेड वायर नज़र आ रहा है यह न्यूट्रल वायर है। नॉर्मली न्यूट्रल के लिए ब्लू या फिर ब्लैक वायर का यूज़ किया जाता है, बट हमारे पास वायर का कलर अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने रेड वायर से ही न्यूट्रल की वायरिंग की है। नॉर्मली आप ब्लैक वायर या ब्लू वायर लगाइए। चलिए अभी हमें क्या काम करना है, हमारे पास जो 4 हाफ वायर है आपको जिस स्विच से जिस लोड को कंट्रोल करना है उसका हाफ वायर ऊपर लगा देना है। फर्स्ट लाइट का देखिए हाफ वायर हमने ऊपर लगा दिया, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा फर्स्ट लाइट ऑन होगी। सेकंड लाइट को हमने सेकंड स्विच में कनेक्ट कर दिया है। थर्ड लाइट को थर्ड स्विच के ऊपर वाले सिरे पर कनेक्ट कर देना है। जैसे स्विच ऑन होगा हमारा लोड ऑन हो जाएगा। अब फैन के लिए देखिए रेगुलेटर का कनेक्शन हमने स्विच में कर दिया है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा और रेगुलेटर से फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा की जाएगी तो यहाँ पर हाफ वायर से फ़ैन की स्पीड कम और ज़्यादा होगी। हमारे सभी लोड का कनेक्शन हो चुका है। अब हम सर्किट वायर का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए जो दो आपको येलो वायर नज़र आ रहे हैं ये इन्वर्टर के वायर है, बट अभी हमें इन्वर्टर का कोई कनेक्शन नहीं करना है इसलिए इन्वर्टर के वायर को हम अच्छे से ट्विस्ट कर टेप लगा कर रख देते हैं। यदि आपको इन्वर्टर का कनेक्शन करना हो तो भी आप कर दीजिए, बट अभी हमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करना है इसलिए इन्वर्टर के वायर को हमने टैपिंग कर रख दिया है। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए जो पतला येलो वायर आपको नज़र आ रहा है वो न्यूट्रल वायर है जो कि पूरे रूम में घुमा है। देखिए ये न्यूट्रल वायर है। यहाँ पर दो रेड वायर है, एक रेड वायर इस स्विच बोर्ड के लिए मेन न्यूट्रल है और इसी स्विच बोर्ड से एक न्यूट्रल दूसरे स्विच बोर्ड में गया है तो यहीं से लूपिंग होगी। तो तीनों वायर को अच्छे से हमें ट्विस्ट कर देना है। एक देखिए मेन न्यूट्रल है, एक रूम का न्यूट्रल है और एक इसी स्विच बोर्ड से दूसरे रूम में न्यूट्रल गया है। अब इतने वायर्स को एक साथ सॉकेट में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए हम एक न्यूट्रल वायर को और इसमें ज्वाइंट कर लेते हैं। चलिए ताकि यहाँ पर आसानी से सॉकेट में कनेक्शन किया जा सके इसलिए हम एक एक्सटर्नल न्यूट्रल वायर को यहाँ पर अटैच कर लिया है। ट्विस्ट आप अच्छे से कीजिए।
देखिए अच्छे से पहले हम ट्विस्ट कर लेते हैं, इस पर अच्छे से टैपिंग कर देते हैं। चलिए अच्छे से टैपिंग करने के बाद न्यूट्रल का जो कनेक्शन हमें करना है वो सॉकेट में करना है। सॉकेट से हमने दूसरे सॉकेट में लूपिंग कर दिया है ताकि दोनों सॉकेट में यहाँ से न्यूट्रल चला जाए, तो इसे हम सॉकेट में यहाँ पर अटैच कर देते हैं। चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन भी स्विच बोर्ड में हो चुका है और जो रूम का न्यूट्रल था उसे भी हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया है, तो जितने भी लोड में न्यूट्रल घुमा है वहाँ पर भी न्यूट्रल पहुँच जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर स्विच बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। चलिए अब हमें फेस की जो वायर है फेस का कनेक्शन करना है, तो जिन दो वायर पर आप देख सकते हैं टैपिंग लगी हुई है, एक इसी स्विच बोर्ड का फेस वायर है और एक अगले स्विच बोर्ड में यहीं से लूप होकर जाएगा, इसलिए फेस के दो वायर्स हमारे पास आए। आपको ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोनों फेस वायर को यहाँ पर लूप कर देना है। अब इतने 250 mm के वायर को सॉकेट में कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं, एक एक्सटर्नल वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं ताकि इसे स्विच में आसानी से कनेक्ट किया जा सके। चलिए एक एक्सटर्नल वायर को भी हमने जोड़ लिया, अच्छे से ट्विस्ट कर टैपिंग कर देना है। अब इस फेज वायर को आप किसी भी स्विच में कनेक्ट कर दीजिए, जहाँ भी आप कनेक्ट करेंगे हमने लूपिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो सभी स्विच में फेज यहाँ से पहुँच जाएगा। आप किसी भी एक स्विच में इस फेज को कनेक्ट कर दीजिए, हम यहाँ पर इस फेज को कनेक्ट कर देते हैं ताकि सभी स्विच में नीचे की तरफ फेज पहुँच जाएगा। अब जिस स्विच को ऑन किया जाएगा फेस ऊपर की तरफ जाएगा स्विच में, जिससे हमारा वह लोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सभी स्विच में फेस नीचे की तरफ दिया है और यहाँ पर मेन फेस हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चल एक बार हम समझ लेते हैं किस तरह से कनेक्शन किया है। देखिए यहाँ पर सभी हाफ वायर को स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया है। देखिए तीन लाइट और एक फ़ैन को यहाँ पर देखिए सभी हाफ वायर को कनेक्ट कर दिया। फ़ैन के वायर को हमने फ़ैन रेगुलेटर के सेकेंड वायर में कनेक्ट किया है। यहाँ पर देखिए जब इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से हमारे इस सॉकेट में कनेक्शन जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉकेट में कनेक्शन आएगा और यहाँ से सॉकेट में कनेक्शन आएगा। सभी स्विच में फेज नीचे की तरफ हमने लूप कर रखा है। देखिए यहाँ से हमारा इस लोड को कंट्रोल किया जाएगा। अब हम सर्किट वायर का कनेक्शन समझे, तो जो फेज वायर है इस फेज वायर को जहाँ पर हमने सभी स्विच में लूप किया था यहाँ कनेक्ट कर दिया है, तो सभी स्विच में फेज आ जाएगा। न्यूट्रल के लिए देखिए हमने एक कनेक्टर ले लिया क्योंकि इतने वायर एक साथ कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो एक कनेक्टर लेकर इसे सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है जिससे न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो चुका है। इन्वर्टर के वायर को हमने लूप कर रख दिया है। यदि आपको इन्वर्टर का कनेक्शन करना हो तो भी आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग की जाती है।